नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पोको कंपनी ने कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में पोको X2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने बहुत ही बड़े और अच्छे फीचर्स दिए हैं और इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मिड रेंज के अंदर लॉन्च किया है। और दोस्तों, अब पोको कंपनी शोमी से अलग हो चुकी है, लेकिन दोस्तों, अब इसी स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए शोमी कंपनी अपनी रेडमी नोट 9 सीरीज को लेकर आ रही है, जिसके अंदर आपको दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए एक बढ़िया अच्छा स्मार्टफोन होगा। और इस स्मार्टफोन को भी कंपनी मिड रेंज के अंदर ही लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स की, तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि पोको X2 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की IPS LCD ड्यूल कटआउट वाली पंच होल नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.67 इंच की फुल HD पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की, तो दोस्तों साइज और क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे। दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको एक ही साइज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बैक प्लेन के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप बिल्कुल अलग अलग टाइप का होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए पोको X2 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस स्मार्टफोन के बैक प्लेन के ऊपर आपको कंपनी ने 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। वहीं अगर दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और डेप्थ कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देगी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस की, तो दोस्तों कैमरा के मामले में पोको X2 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों बढ़िया अच्छा 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और इसका सेल्फी कैमरा भी बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की रैम और इनके स्टोरेज के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए पोको X2 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 4 GB, 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च करेगी, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इसका 4 GB रैम का वेरियंट भी आपको शायद मार्केट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए पोको X2 स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 618 का GPU देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देगी और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर भी आपको एडीनो 618 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में भी वैसे तो को X2 स्मार्टफोन आगे रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन का बढ़िया अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों स्नैपड्रैगन 720 भी एक बढ़िया अच्छा पावरफुल चिपसेट है और यह स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पोको X2 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 27 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है, लेकिन दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल के अंदर आप इससे भी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 5020mAh की बड़ी और अच्छी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली पावरफुल बैटरी दे सकती है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में भी रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल आगे रहेगा, इसके अंदर आपको बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों वैसे तो पोको X2 स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़े और अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 16,000 रुपए के आसपास रखी गई है, लेकिन दोस्तों अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल की कीमत कंपनी कितनी रखती है। बाकी दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।